चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं टीचिंग परफॉर्मेंस एट्रेसिटी पे आज दोस्तों मैं आपको एक बहुत छोटा सा टॉपिक प्रेजेंट करने वाला हूँ। ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक नंबर आपको कन्फर्म दिलाएगा, जिसमें विभिन्न खेलों से संबंधित इंपॉर्टेंट जो उनकी ट्रॉफीज़ होती हैं वो हम प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ किस गेम में कौन सा खिलाड़ी कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं वो हम प्रेजेंट करेंगे, जिसमें एक नंबर का क्वेश्चन आता है। ये क्या होता है कि आप टॉपिक छोटा टॉपिक होता है तो आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक करेगा, चैनल पर आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉकी की, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉकी की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपको। देखिए, कई बार आपको पूछा गया कि बिंटन कप जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा, तो बिंटन कप जो संबंधित हो जाएगा आपका वो किससे संबंधित हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हॉकी से, पूछा भी गया है। आगा खां कप, देखिए कई बार पूछा गया कि आगा खां कप किससे संबंधित हो जाएगा, तो वो संबंधित हो जाएगा आपका हॉकी से। बेगम रसूल शायद नहीं पूछा जाए, लेकिन आपको लेडी रतन टाटा, बेटन कप, रंगा स्वामी और आगा खां ये पूछा जाएगा। मुरगप्पा कप, देखिए आपको इसी बार पूछा गया था, मुरगप्पा कप किससे संबंधित हो जाएगा, वो भी हॉकी से संबंधित हो जाएगा। ध्यानचंद ट्रॉफी पूछा जाएगा, वो भी। वेलिंगटन ट्रॉफी, देखिए वेलिंगटन कप पूछा जाएगा तो आपका हॉकी, और वेलिंगटन ट्रॉफी पूछा जाता है तो वो नौकायन से संबंधित हो जाता है, जो शायद ही आपको पूछे। सिंधिया कप पूछा जा सकता है, आपको पूछा भी गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए आपके लिए क्या है, बेटन कप पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रंगा स्वामी पूछा जाएगा जो कि किससे संबंधित है, तो वो भी हॉकी से संबंधित है, मैं एमसीक्यू सेशन भी करा दूंगा। आगा खां कप पूछा जाएगा तो वो भी किससे संबंधित हो जाएगा, आगा खां कप भी हमारा हॉकी से संबंधित हो जाएगा। सुल्तान जौहर कप पूछा जाएगा, वो भी हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, तो वो भी आपका हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा अजलान शाह कप पूछा जाएगा, तो वो भी हमारा हॉकी से हो जाएगा। ये मे बी इसमें मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, सुल्तान जौहर कप पूछा गया, सुल्तान अजलान शाह कप पूछा गया, ये भी दोनों हमारे हॉकी से संबंधित हो जाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं और बता देता हूँ। 14वां हॉकी विश्व कप जो हुआ था, ध्यान रखिएगा 14वां हॉकी विश्व कप किसने जीता था, बेल्जियम में जीता था, 2019 में हुआ था आपका, वो हुआ था उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा, जो जो कि पूछा जा सकता है। 14वां हॉकी विश्व कप, अभी रिसेंट में आपका जूनियर हॉकी विश्व कप हुआ है जो कि आपको पूछा जा सकता है, 2021 में जूनियर हॉकी विश्व कप हुआ है जिसको अर्जेंटीना ने जीता, और ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपको, ठीक है, कि इस बार का जूनियर हॉकी विश्व कप किसने जीता है, तो वो अर्जेंटीना ने जीता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला गेम ले लेते हैं। अगला गेम में देखिए फुटबॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, फुटबॉल से गेम क्वेश्चन बनते भी बनते हैं आपको। सबसे पहले देखिए बात कर लेंगे कि फुटबॉल में कौन कौन से गेम संबंधित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा फुटबॉल का गेम फीफा, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। फीफा किससे संबंधित है, फुटबॉल का, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो गियानी सॉरी इसके हेड पूछा जाएगा तो गियानी इन्फेंटिनो हो जाएंगे, लिख लीजिएगा अब इनका नाम आ गया तो, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, किसका, फीफा का, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, और 1904 में फीफा आपका स्टैब्लिश हुआ था। उसके अलावा डीसीएम कप हो गया जो कि आपको पूछा जा सकता है, डूरन कप हो गया आपका फुटबॉल से संबंधित है, रोवर्स कप हो गया आपका फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी हो गई आपकी किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी इस बार केरला ने जीता है, ध्यान रखिएगा। सुब्रतो कप हो गया, किससे संबंधित हो जाएगा आपका, तो वो भी आपका फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। मार्डेका, ध्यान रखिएगा मुरगप्पा किससे, हॉकी से, मार्डेका किससे, फुटबॉल से, जो कि आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको, जैसे पूछा जाएगा इस बार यूरो कप किसने जीता, तो वो इटली ने जीता, इटली ने किसको हराया था, जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट खेलता है तो इंग्लैंड को हराया था। अगर आपको पूछा जाएगा कोपा कप किसने जीता, कोपा बेसिकली अमेरिकन कॉन्टिनेंट खेलता है, तो वो अर्जेंटीना ने जीता, अर्जेंटीना ने किसको हराया भाई, तो ब्राज़ील को हरा करके जीत गया। ये क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस भी ध्यान रखिएगा आपको पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर सैफ कप पूछा जाएगा महिला, जो कि आपको फुटबॉल से संबंधित है, वो भारत ने जीता था नेपाल को हरा करके, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है कि सैफ कप अगर पूछा जाएगा कि किसने जीता, देखिए सैफ कप अगर फीमेल पूछा जाएगा तो वो बांग्लादेश ने जीता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सैफ कप आपका भी फुटबॉल से संबंधित है, फीमेल पूछा जाएगा तो बांग्लादेश ने जीता, किसको हरा करके, भारत को हरा करके। जबकि सैफ चैंपियनशिप मेल पूछा जाएगा आपको तो वो भारत ने जीता है, किसको हरा करके, चाइना को हरा के। फिर से मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ, देखिए अगर मेल सैफ कप पूछा जाएगा तो भारत विनर है, ठीक है, किसको हराया, चाइना को हराया, ध्यान रखिएगा। और फीमेल सैफ कप पूछा जाएगा जो कि आपका फुटबॉल से संबंधित है तो वो बांग्लादेश ने जीता है, भारत को हरा के। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, अगर हो कहाँ पे रहा था सैफ चैंपियनशिप मेल पूछा जाएगा तो वो हो रहा था मालदीव के माले में, जो कि पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे कप आप ध्यान रखिएगा, आपको एमसीक्यूज भी मैं जल्दी इस पर प्रेजेंट कर दूंगा। क्रिकेट की बात करें दोस्तों, रणजी ट्रॉफी इस बार कैंसिल हो गई थी कोविड की वजह से, ठीक है,
ईरानी ट्रॉफी भी आपकी किससे संबंधित है? तो ईरानी ट्रॉफी भी हमारी क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कई बार आपको क्वेश्चन ईरानी ट्रॉफी पे बना भी है, ठीक है। तो ईरानी ट्रॉफी अगर पूछा जाएगा तो वो किससे संबंधित हो जाएगा? क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। दुलीप ट्रॉफी पूछा जाएगा हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, तो वो भी हमारा क्रिकेट से ही संबंधित है, दुलीप ट्रॉफी जो कि आपको पूछा जाता है। उसके अलावा सी के नायडू हो गया, रानी झांसी ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, जी डी बिरला हो गया, रोहनटन बोरिया हो गया, जो कि पूछा जा सकता है। उसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी पूछा जाएगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन बनाएगा। पूछा जाएगा कि इस बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता किसने, तो वो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश ने जीता है, किसको हरा करके, तमिलनाडु को हरा करके। हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली तमिलनाडु को हरा करके, जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपको, तो वो तमिलनाडु ने ही जीता है, ध्यान रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पूछा जाएगा तो वो तमिलनाडु ने जीता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो होप आपको दोनों क्लियर क्वेश्चन हो गया होगा। अगर विजय हजारे ट्रॉफी पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है, और अगर पूछा जाएगा आपको सैयद मुश्ताक अली तो वो किसने जीता है, वो जीता है आपका तमिलनाडु ने। और सैयद मुश्ताक अली हो गया, विजय हजारे हो गया, ईरानी कप हो गया, दुलीप ट्रॉफी हो गया, रानी झांसी हो गया, रोहिंटन बोरिया हो गया, ठीक है, जी डी बिरला हो गया, ये सब किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये सब क्रिकेट से संबंधित है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला गेम ले लेते हैं। अगला गेम है दोस्तों टेबल टेनिस। देखिए यही फंसता है आपका, टेबल टेनिस आपको फंसाता है क्योंकि इसका आप जल्दी सुनते नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए टेबल टेनिस अगर पूछा जाएगा इससे संबंधित गेम कौन से हो जाएंगे, तो जयलक्ष्मी कप एक महिला कप है, ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपका राजकुमारी चैलेंज कप हो गया और रामानुजन ट्रॉफी हो गई, ये सब किससे संबंधित है, तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल टेनिस आपको पूछा जा सकता है। मनिका बत्रा आपने सुना होगा, जी साध्यान सुना होगा, ये लोग काफ़ी फेमस प्लेयर हैं, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं टेबल टेनिस के। बैडमिंटन की बात करें दोस्तों, तो नारंग कप हो गया, चड्ढा कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा आपको तो सैयद मोदी कप हो गया, ठीक है, जो कि अभी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जो कि अभी लखनऊ में हुई है, जिसको पीवी सिंधु ने जीता है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा भी रखा था, मालविका बंसोड़ को हरा करके। और उसके अलावा थॉमस कप हो गया, ध्यान रखिएगा, वो भी इंडिया ने जीता है, ठीक है, इंडोनेशिया को हरा करके, पहली बार इंडिया ने जीता है 73 सालों में, 14 बार की जो सबसे अधिक बार की विनर है इंडोनेशिया को हरा करके। उबर कप पूछा जा सकता है आपको, ये महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है, जो किसने जीता है, साउथ कोरिया ने जीता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप चाहें तो ये सारे किससे संबंधित हो जाएंगे, तो बैडमिंटन से, जिसमें नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप, उसके अलावा कनाडा ओपन भी किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। बस थॉमस मैंने आपको बता दिया, उबर कप बता दिया, और आपका जो है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल कप भी ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, बास्केटबॉल, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा आपको, बास्केटबॉल से संबंधित कौन सी ट्रॉफी हो जाएंगी, तो बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज हो गया, नेहरू कप हो गया, फेडरेशन कप आपको पूछा जा सकता है, किससे संबंधित हो जाएगा, तो बास्केटबॉल से संबंधित हो जाएगा, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रिज की बात करें दोस्तों, तो रामनिवास रुईया चैलेंज ट्रॉफी होगी और होलकर ट्रॉफी, जिसमें होलकर कई बार पूछा गया, इस बार भी आपको पूछा गया था आपके 4 और 6 ग्रुप में कि होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो मैंने आपको रिव्यू कराया था, आप रिव्यू देख लीजिएगा, मैं फिर से अपलोड कर दूंगा, वो हो जाएगा आपका होलकर ट्रॉफी जो है वो ब्रिज से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा भी आपको पूछा जा सकता है, इसमें आप थोड़ा सा डिस्गाइज हो जाते हैं, ठीक है। पोलो की बात करें दोस्तों, तो एजार कप हो गया, ठीक है, पृथ्वी पाल सिंह कप हो गया, राधा मोहन कप हो गया, क्लासिक कप हो गया, ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये पोलो से संबंधित हो जाएगा, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आपको क्रिएट करेगा, ध्यान रखिएगा, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आपको क्रिएट करेगा कि पोलो कप किससे संबंधित हो जाएगा, तो वो इजार कप किससे संबंधित हो जाएगा, तो पोलो से। पृथ्वी पाल सिंह कप किससे संबंधित हो जाएगा, तो पोलो से। राधा मोहन कप पूछा जाएगा किससे, तो पोलो से। क्लासिक कप भी किससे संबंधित हो जाएगा, तो पोलो से। गोल्फ की बात करें दोस्तों, तो बाकर कप हो गया, सर्किट कप हो गया, राइडर कप सबसे ज़्यादा फेमस जो है राइडर कप, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। इस बार अमेरिका ने राइडर कप जीता है 2021 में यूरोप को हरा करके। और उसके अलावा प्रिंस ऑफ वेल्स हो गया, डनहिल कप हो गया, ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। आपने बहुत फेमस खिलाड़ियों के नाम सुने होंगे, जिव मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा, पहले ऐसे गोल्फ खिलाड़ी हैं जिनको यूएई ने गोल्डन वीजा दिया हुआ है, ठीक है, प्लस टाइगर वुड्स का नाम सुना होगा, ये सारे फेमस हैं। और अभी हमारी ध्यान रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में अदिति अशोक करके हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं किस गेम से संबंधित हैं, वो भी गोल्फर ही हैं। अब देखिए मैंने अभी आपको रिलेटेड गेम्स पढ़ाए, अब मैं आपको वो प्लेयर पढ़ा देता हूँ कि किस गेम से कितने प्लेयर संबंधित हैं, यानी कितने प्लेयर खेलते हैं। तो देखिए रग्बी फुटबॉल पूछा जाएगा तो सबसे अधिक 15 प्लेयर, ध्यान रखिएगा रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक कितने प्लेयर खेलते हैं, 15 प्लेयर। हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इसमें कितने प्लेयर खेलते हैं, मैक्सिमम 11, सबसे अधिक रग्बी फुटबॉल में 15। बेसबॉल में कितने खेलते हैं, 9 खेलते हैं। खो खो की बात करें तो इसमें भी कितने खेलते हैं, 9 खेलते हैं।
वाटर पोलो की बात करें तो कितने खेलते हैं? सात। वाटर पोलो पूछा जाएगा तो कितने हो जाएंगे? सात ध्यान लगेगा, जबकि पोलो पूछा जाता है तो वो चार हो जाते हैं। नेटबॉल की बात करें तो इसमें भी सेवन खेलते हैं, कबड्डी की बात करें तो इसमें भी सेवन खेलते हैं, वॉलीबॉल की बात करें तो छः, और बास्केटबॉल की बात करें तो वो हो जाएगा पाँच। ठीक है, उसके अलावा टेनिस हो गया, बैडमिंटन, ब्रिज हो गया, इसमें एक या दो, और ब्रिज में जो है वो दो खेलते हैं। तो ये सारे आपके क्या हो गए, कितने खिलाड़ी किस गेम से संबंधित हैं। अब देखिए ये डिटेल होगी वन लाइन की, इससे संबंधित मैं MCQs यानी PYQs करा दूंगा जो बार बार पूछा गया। उसके अलावा मैं कुछ और गेम्स बता देता हूँ। देखिए शतरंज जैसे पूछा जा सकता है, शतरंज मेरे ध्यान में इसलिए भी आया है क्योंकि सबसे पहली चीज़ अकेडमी कहाँ खोली जाएगी? उड़ीसा में खोली जाएगी। ठीक है, उससे संबंधित फाइड टूर्नामेंट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा फाइड टूर्नामेंट पूछा जाता है, जो एक नंबर का क्वेश्चन है जो बनेगा ही बनेगा आपको। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा गेलफेल्ड प्रतियोगिता किससे संबंधित है, तो वो भी आपकी किससे संबंधित हो जाएगी? चेस से ही संबंधित हो जाएगी। ठीक है, प्लस टेनिस भी ऐड कर देते हैं। टेनिस ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कप इसमें होते हैं ग्रैंड स्लैम, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन आ जाएगा, US ओपन आ जाएगा, विंबलडन आ जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। डेविस कप हो जाएगा हमारा किससे संबंधित है, तो वो भी हमारा लॉन टेनिस से संबंधित है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बनाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, और भी मैं इंपॉर्टेंट जो आगामी खेल आयोजन वो भी जल्दी मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। चलिए थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के और इंपॉर्टेंट जो है आपका GA का भी मैं आपको प्लेलिस्ट बना के छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, गुड डे।